प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 एसी का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर्स। बच्चों तुसी ट्रांसफार्मर देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी लगे होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह या रेडियोज वगैरह होते हैं। तो आपने बड़े ट्रांसफार्मर भी देखे होंगे जो सड़क के किनारों पर लगे होते हैं, जो घरों में सप्लाई भेजते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और खेतों में भी लगे देखे होंगे। लो, इसके बारे में पहले जानकारी लें, क्या काम है। इट इज अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट द लो करंट एंड वाइस वर्सा। जो ट्रांसफार्मर का काम है, वोल्टेज को बढ़ा के देना या वोल्टेज को घटा के देना। कहने का मतलब, मान लो जहां 220 वोल्ट में इसे सप्लाई दी, करंट है 10 एम्पियर, तो ये वोल्टेज को बढ़ा के देगा, इसे स्टेप अप कहते हैं। तो कितनी बार आ रही है, 440 वोल्ट, करंट कितना 5 एम्पियर है, ये फॉर एग्जाम्पल है। तो ऐसे इसमें क्या हुआ, जहां जो करंट हमने 10 एम्पियर दिया था, करंट घट गया, वोल्टेज बढ़ गई। तो ये होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें फिर अब करंट घटने से क्या हमें फायदा है, लॉन्ग डिस्टेंस लाइंस में फिर उतना हीट लॉस कम होता है। हीट लॉस का फार्मूला आपको पता ही है, I² RT होता है ऐसे। तो जितना करंट ज्यादा होगा, उतना ही हीट लॉस ज्यादा होगा। अब प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ा है, इफ द टू कॉयल्स आर इंडक्टिवली कपल्ड, मान लो दो कॉयल्स है ऐसे, एक ऐसे, एंड व्हेन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज, अगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मान लो चेंज होता है, इज चेंज इन वन ऑफ द टू कॉयल, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द अदर कॉयल। तो दूसरे में भी ईएमएफ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, तो ईएमएफ इस जो नेबरिंग कॉयल है जी, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इस प्रिंसिपल से, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। लॉ कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉयल्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। दो सेट्स होते हैं, जैसे इसे फर्स्ट जिसमें से हम सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी कॉयल है, जिससे सप्लाई लेनी है हमने आगे, उसे सेकेंडरी कॉयल, ये होगी प्राइमरी क्योंकि इसमें हमने एसी सप्लाई दी है। दे आर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। लो जी देखो बुक में, ये बुक में देख लेते हैं, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर ऐसे वाउंड किया जाता है। ये एक प्राइमरी कॉयल है, दूसरी सेकेंडरी कॉयल वाउंड की हुई है। ऐसे इकट्ठियां भी वाउंड कर देते हैं, अलग अलग भी वाउंड कर देते हैं, दो तरीके हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर है। अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों जो वायर्स होती है ना, वो इंसुलेटिंग वायर्स होती हैं। देखो ऐसी वायर्स होती है, थिकनेस पर डिपेंड होता है, जब अगर करंट हैवी जा रहा है तो थिकनेस मोटी होगी। इसमें के ऊपर ना लेयर चढ़ी होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, तो इस टाइप की ये वायर्स होती है। ये कॉपर वायर है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए कॉपर को अधिक यूज किया जाता है। यार अभी समझा दिए, एक से एक कॉयल के ऊपर दूसरी लपेटी होती है, ऐसे भी हो सकता है, तो अलग अलग भी ऐसे लपेटी हो सकती है जे आयरन कोर पर। वन ऑफ द कॉयल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉयल हैज एनपीटेंस। मान लो ये कॉयल है, ये प्राइमरी कॉयल है, इधर ये सेकेंडरी कॉयल है, इसका नाम हमें इसमें जो ऐसे टर्ने वो लपेटी हुई है ना, उसको कहते हैं एनपी। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एनपी। इसको क्या मान लेते हैं, एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स जो ये लपेटी हुई है। आप देखने इसकी टर्न्स ज्यादा है, जो वैसे समझाने के लिए काम भी हो सकती हैं। जो नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन ले, तो जैटी नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये इसे एनएस लिख लेते हैं। द अदर कॉयल इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉयल, तो इसे क्या कहते हैं, एनएस को, सेकेंडरी कॉयल। ऑफन द प्राइमरी कॉयल इज इनपुट कॉयल, जो सप्लाई देते हैं हम प्राइमरी कॉयल को देते हैं, और सेकेंडरी कॉयल से है हम आउटपुट लेते हैं। कहने का मतलब, इधर इनपुट देते हैं, इधर आउटपुट लेते हैं।
ट्रांसफार्मर्स हमारे पास दो तरह के हैं, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें एन एस ग्रेटर देन एन पी कैन का नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। द प्राइमरी कॉइल इज मेड ऑफ अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर व्हाइल द सेकेंडरी कॉइल इज मेड ऑफ थिन वायर। इसका कारण क्या है, जब हम स्टेप अप लेते हैं ना ट्रांसफार्मर, तो प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा चलेगा। लो जी मैं फिगर बनाई हुई है, तो प्राइमरी कॉइल में करंट हैवी होगा, इसके लिए हमने कॉपर वायर इधर प्राइमरी में मोटी लगानी है, ऐसे मोटी होगी ये। तो सेकेंडरी कॉइल है जी दूसरी तरफ होगी, उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी अधिक हो गए, एन एस नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि इसमें वोल्टेज ज्यादा है, करंट हमने कम ड्रा करना है, तो इसकी जो नंबर जो थिकनेस होगी ना वायर की वो पतली होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि जहां हम करंट कम ड्रा कर रहे हैं। ये तो हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें हम अधिक वोल्टेज ले रहे हैं, दे कम रहे हैं अधिक ले रहे हैं, करंट अधिक है, जो आउटपुट करंट की है वो कम है, इसे कह देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब आ गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इन विच एन एस इज लेस देन एन पी, एन एस इज लेस देन एन पी, जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल की कम होगी, ऐसे जे बन गया तो जे कम है, कहने का मतलब एन एस जे है तो एन पी जे है, एन पी इज एन एस इज लेस देन एन पी, एन पी ग्रेटर देन एन एस हो गया, उल्टा दोगे तो ऐसे बन जाएगा एन पी ग्रेटर देन एन एस। प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स कम है या अधिक है तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम है। द प्राइमरी कॉइल इज मेड ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाइल द सेकेंडरी कॉइल इज मेड ऑफ थिक। तो जो सेकेंडरी कॉइल है वो थिक कॉपर लगा होगा, इधर मोटी ज्यादा होगी, जे बारीक होगी। क्यों? इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू अ लो वोल्टेज एट हाई करंट। देखो अगर इधर हम सप्लाई देंगे, मान लो हमने जहां 440 वोल्ट दी, 5 एम्पियर जे करंट दे रही है इसे, तो इधर जो सप्लाई निकल रही है वो कम निकली है, 220 वोल्ट निकली है, करंट ज्यादा निकल रहा है, इस करके जे जो वायर होगी थिक होगी। इसे स्टेप डाउन इस करके कह देते हैं क्योंकि जहां हमें वोल्टेज तो अधिक दे रहे हैं, तो जो वोल्टेज हम आउटपुट की तौर पर ले रहे हैं वो कम है, करंट कम होगा तो जहां करंट अधिक हो जाएगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमने ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज लेके जानी है एक जगह से दूसरे, मान लो कई 100 किलोमीटर दूर, 50, 60, 100 किलोमीटर दूर लेके जानी है, तो हम हाई वोल्टेज पर लेके जाएंगे, उससे क्या होगा कम करंट पे लेके जाएंगे तो फिर जो लॉसेज है वो हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि जो हीट लॉस होता है ना वो कम हो जाता है। वो किस पे डिपेंड करता है? करंट पे, आई स्क्वायर आर टी, हमने फार्मूला पढ़ा है। लो थ्योरी, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू अ प्राइमरी द रिजल्टिंग करंट प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विच लिंक्स द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट। मान लो ये सर्किट बना हुआ है, अब जो एसी इसमें हमने प्राइमरी को दी, ये सेकेंडरी है, तो इसका जो अल्टरनेटिंग है ना, तो इसमें फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी में भी। तो ये यही फंक्शन है, इंड्यूस द वैल्यू ऑफ दिस ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। इस सेकेंडरी में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है वो उस पर डिपेंड करता है, इससे ज्यादा हो गए तो ज्यादा मिलेगी हमें, अगर प्राइमरी से कम होगी तो फिर जहां वोल्टेज हमें कम मिलेगी, ईएमएफ कम मिलेगी। वी कंसिडर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, जहां हम आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चले, इन विच प्राइमरी हैज नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस एंड ऑल द फ्लक्स इन द कोर लिंक्स विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, भी जो फ्लक्स है वो लीक नहीं कर रहा है। इनको किस पर लपेटा हुआ है? सॉफ्ट आयरन कोर पर। हम जो मान के चल रहे हैं भी ये फ्लक्स लीक नहीं कर रहा, पूरा का पूरा ही दूसरी तरफ कट कर रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा। लेट फाइ बी द फ्लक्स इन ईच टर्न इन द कोर एट टाइम टी ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी व्हेन अ वोल्टेज वीपी इज अप्लाई टू इट। मान लो जहां हमने वोल्टेज कितनी अप्लाई की है, वीपी, तो लो देखें जो
करंट द कितनी कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड और वोल्टेज ई एस इन द सेकेंडरी विद एन एस टर्न्स, यदि टर्न्स हमने एन एस मान ली, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स एन पी है, जे वी पी है तो जे फार्मूला इंड्यूस ईएमएफ का हमने पढ़ा हुआ ई इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बटा डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा इसका इसमें करंट वेरी कर रहा है ना तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो इसे भी कट करेगा, इसलिए इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉयल में। जे बात कर रहा है सेकेंडरी कॉयल की, अब जो ये फ्लक्स है ना इसे भी कट कर रहा है तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, द अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई इंड्यूस बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी, प्राइमरी में भी इंड्यूस होगी, ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी वन एंड टू, बट ईपी इज इक्वल टू वीपी, जो ईपी है वो वीपी के बराबर होगी वोल्टेज इन प्राइमरी के, जे जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और जे वोल्टेज जो हमने दी है इसे वो दोनों बराबर होगी बिकॉज प्राइमरी है जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि इसे हमने आइडियल मान के चल रहे हैं सारे सर्किट को ट्रांसफार्मर को, जैसे कोई लॉस नहीं है। ऑल्सो ई एस इज इक्वल टू वी एस, ऐसे ही जो इंड्यूस ईएमएफ जहां ही है वही वी एस है, वोल्टेज इन सेकेंडरी है, लो जहां ई एस है वहां वी एस लिख दो, जहां ईपी है वहां वीपी लिख दो, फ्रॉम वन एंड टू ई एस की जगह वी एस लिख दिया माइनस एन एस डी फाइव बटा डी टी, तो ईपी को क्या लिख दिया वीपी, वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी, नंबर थ्री फोर इतने वन टू पा लो, लो डिवाइडिंग थ्री एंड फोर, तो वी एस बटा वीपी इज इक्वल टू, जे तो कट जाएंगे माइनस भी कट जानी है तो क्या बचना डी फाइव बाई डी टी भी कट गया तो जे बढ़ गया एन एस बटा एन पी, नंबर टर्न्स इन सेकेंडरी बटा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर हम जे मान के चलते हैं नो लॉस ऑफ एनर्जी, पावर इनपुट किसके बराबर है पावर आउटपुट के बराबर, तो जितनी पावर हमने इधर दी है उतनी ही हम इधर ले रहे हैं जो मान के चल रहे हैं, एक्चुअली होता तो नहीं है लॉसेस हैं, तो क्या फार्मूला पावर का वी गुना आई, यही फार्मूला है ना, तो जे पहले प्राइमरी में लगा लेते हैं वीपी गुना आईपी इज इक्वल टू वी एस गुना आई एस, ये सेकेंडरी का दोनों आपस में बराबर ही होगी पावर्स, तो क्या बन गया, अब जो ये लिखा ना पीछे हमने वीपी इंटू आई पी इज इक्वल टू वी एस इंटू आई एस, इसको हम ऐसे लिखते हैं आईपी बटा आई एस, इसे नीचे ले जाओ इज इक्वल टू वी एस बटा वीपी से नंबर फाइव बारो, फ्रॉम फोर एंड फाइव, फ्रॉम फोर एंड फाइव क्या रिजल्ट बन गया, फोर में हमने क्या बनाया था रिजल्ट देखो, फोर का रिजल्ट था वी एस बटा वीपी इज इक्वल टू एन एस बटा एन पी, अब फाइव में क्या बन गया देखो, ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं वी एस बटा वीपी इज इक्वल टू आई पी बटा आई एस किसके बराबर हो गया वी एस बटा वीपी के बराबर, तो ये हमारे पास मेन रिजल्ट बन गया ये वाला। अब वी हैव, हम इसमें से अब देखते हैं फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन करते हैं, वी एस इज इक्वल टू एन एस बटा एन पी इंटू वीपी बन गया, ये एक एस वोल्टेज इन सेकेंडरी, आज वोल्टेज इन करंट निकालना हो तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, अब जहां उल्टाना पड़ेगा आपको जरा ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, ऐसे कर लो आई एस इंटू एन एस इज इक्वल टू आई पी इंटू एन पी, ऐसे कर लो, तो आई एस निकालना हमने ये बन गया एन पी बटा एन एस, जी नीचे चल जाएगा एन पी बटा एन एस इंटू आई पी, आई पी तो जो है ही है, तो जे दो हमारे जे दो रिजल्ट आ गए वोल्टेज इन सेकेंडरी करंट इन सेकेंडरी, अगर ता जरा ध्यान से देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर एन एस ग्रेटर देन एन पी है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में प्राइमरी से अधिक है, तो हमें कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ जी स्टेप अप, स्टेप अप में हमें वोल्टेज अधिक मिलनी है करंट कम मिलना है एज कंपेरेटिवली टू प्राइमरी, अगर एन एस एन पी लेस ग्रेटर देन एन एस है, अगर प्राइमरी की टर्न्स ज्यादा है सेकेंडरी से, फिर हमें जहां वोल्टेज कम मिलनी है वोल्टेज वी एस कम मिलनी है और करंट जो है आई एस से डिनोट किया हुआ है आई एस ए अधिक मिलना है सेकेंडरी में, तो ये कौन सा हो गया फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी देन वोल्टेज स्टेप्ड अप एंड लेस करंट,
इफ एन एस इज लेस देन एनपी देन वोल्टेज स्टेप डाउन एंड मोर करंट। आगे एनर्जी लॉसेज है, एनर्जी लॉसेज पहला तो है फ्लक्स लिंकेज लीकेज, फ्लक्स लीकेज जो फ्लक्स है जब ऐसे प्रोड्यूस होता है ना एक कॉइल से दूसरी की तरफ, कुछ ना कुछ फ्लक्स तो लीक होना ही है ना, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस भी है ना कॉइल की, तो आयरन कोर जो बीच में रखी हुई है जो अभी मैंने आपको जहां बताया है ये आयरन कोर है ना बीच में ये वाली, तो इसे फ्लक्स तो लीक करेगा 100% तो जो नहीं जाएगा, तो एक उसके कारण लॉस हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, रेजिस्टेंस ऑफ जो वाइंडिंग की हुई है कॉपर की वाइंडिंग जो की हुई है ना इसके ऊपर ये वाली जहां ऐसे, तो इसकी अपनी रेजिस्टेंस भी होती है, उसके साथ भी आ फार्मूला हमने पढ़ा आई स्क्वायर आर टी, तो जब करंट फ्लो करेगा उससे भी हीट लॉस होगी, रेजिस्टेंस जो आ गई सर्किट में। एडी करंट लॉस ये मैंने वीडियो नंबर 736 में बताया है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो साथ में जो आयरन कोर है ना इसके बीच में एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उससे क्या एडी करंट का काम क्या हीट प्रोड्यूस करना, उससे भी एनर्जी लॉस होगा। चौथा हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस लॉस ये वीडियो नंबर 723 में मैंने समझाया हुआ है अच्छी तरह, व्हाट इज हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस में होते हैं ये, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन कोर है इसमें जो इसके डोमेन्स है उसकी पोलैरिटी चेंज होती है ना बार बार, कैसे चेंज होती है कभी इधर हो जाते फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे बार बार उनको चेंज होना पड़ता है, जो इसमें जो डोमेन होते हैं ना अलग अलग ऐसे डोमेन, जी मैं वहां समझाया आप देख लेना। तो अब जहां एसी फ्लो कर रही है अब इधर है तो जो करंट की डायरेक्शन चेंज होनी है, करंट जो ऐसे चेंज कर रहा है ना साइन वेव, जहां पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज और करंट लगातार चेंज हो रहे हैं, तो उससे इसकी पोलैरिटी भी चेंज होनी है इन डोमेन्स की, उससे भी फिर जो लॉस एनर्जी लॉस होगा, तो इसमें वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस होनी है। ये तो कुछ हमने एडी करंट्स तो कम कर सकते हैं, कैसे जे मैंने वहां प्रैक्टिकल में भी बताया था, इसको लेमिनेट कर दो, इसमें शीट्स लगा दो अलग अलग तरह की और उसे लेमिनेटेड शीट्स लगा दो, उससे भी एडी करंट्स लॉस कम हो जाता है। एक कौन था साउंड, साउंड भी आती है जे इसमें जो लगाई होती है ना बीच में अलग अलग शीट्स कट के लगाई होती है, सीधा ही नहीं लगा देते आयरन को, इसमें शीट्स लगा देते लेमिनेट ताकि एडी करंट्स ना प्रोड्यूस हों, तो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन करके भी इसमें लॉस एनर्जी लॉस होता है साउंड इन द फॉर्म ऑफ साउंड।